Dear students, I really wish you all people are fine. And in my today's lecture, I'm gonna let you know about chemical equilibrium again. The topic of discussion is 8.80 buffer solution. तो स्टूडेंट्स, आपने बफर सॉल्यूशंस के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ा होगा. आई होप अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स में मैं आपको बफर सॉल्यूशंस के बारे में प्रॉपरली समझा दूंगा, बता दूंगा. स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ वी हैव बफर सॉल्यूशन, तो इसमें अगर आपने कोई एसिड ऐड किया है, राइट, इफ यू हैव एडेड एनी एसिड, और लेट्स से दैट अगर आपने इसमें कोई बेस ऐड किया है, तो अब होना तो ये चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल एसिड ऐड कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन का जो एसिड ऐड करने के बाद सिचुएशन है, यानी जो व्हाट एवर लेट्स से दैट के जो पीएच है वो बराबर है अभी जीरो के, या कह लें जीरो ना करें, न्यूट्रल कर लें, सेवन, वी हैव अ सेवन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. जब आप एसिड ऐड करेंगे, इफ़ यू ऐड एनी एसिड इन इट, तो क्या होगा कि इसका जो पीएच है वो लेस देन सेवन हो जाएगा. पीएच जो है इट कैन गोज अप टू सिक्स, अप टू फाइव. लेकिन बफर सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं कि जब आप बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं तो वो अपना पीएच सस्टेन करते हैं, वो अपना पीएच चेंज नहीं होने देते. यानी आपने बेशक इसमें हाइड्रोजन आयन्स का इजाफा कर दिया है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन आयन के इजाफे से सॉल्यूशन की कैपेसिटी होती है कि वो एसिडिक नेचर शो ना करे. सॉल्यूशन जो है इट कैन टॉलरेट दैट नेचर, और इस तरीके से जो भी पीएच है सॉल्यूशन का वो मेंटेन रहे. तो बफर सॉल्यूशन की सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जानदार में मौजूद उसका फ्लूइड है जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर जाता है पूरी बॉडी में, एंड दैट इज ब्लड. बट वी डोंट यूज टू कॉल इट इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनमें हम वहाँ को ब्लड नहीं कहते हैं, वी यूज टू कॉल इट हीमोलिन फॉर सम अदर लिक्विड्स. लेकिन फिलहाल व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हेयर कि वी यूज टू कॉल इट एज ब्लड. तो ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है. यानी जब अगर आप कोई बोतल पी लेते हैं जो कि एक तजाबियत रखती है अपने अंदर, या कोई आप एसिडिक चीज़ खा लेते हैं, लेट से आपने कोई किन्नू वगैरह खा लिए, माल्टे वगैरह खा लिए, आपने कोई कोई फल खा लिया जो कच्चा है और एसिडिक इन नेचर है, लेकिन वो आपके ब्लड में शामिल होने के बाद आपके ब्लड की पीएच को डाउनग्रेड नहीं करता, वो आपके ब्लड की पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, वो आपकी ब्लड की पीएच चेंज नहीं करने देता. So as a whole we used to call that solution as a buffer solution. अब अगर हम for example buffer solution की बात करें, तो a solution, no doubt, buffer solution क्या है? It's a solution, mixture, right? And which resists the change in its pH when a small amount of an acid or a base is added to them or added to it. यानी जब भी आप कोई एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो उनकी चेंज को, पीएच की चेंज को, पीओएच की चेंज को रेजिस्ट कर देगा. एवरी बफर हैज इट्स ऑन कॉन्स्टेंट वैल्यू. इसका मतलब यह है कि हर, अब देखें, अब कैपेसिटी होती है होल्ड करने की भी. आप एसिड डाल रहे हैं आपके लेट्स से दैट वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, आप उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को एसिडिक डाल दिया तो उसको सस्टेन कर लिया. आपने 200 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया उसमें उसको सस्टेन कर लिया. लेकिन व्हाट इफ अगर आप 300 सेंटीमीटर क्यूब डाल देंगे या उतने ही अमाउंट का सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे जितना कि ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, मतलब बफर सॉल्यूशन में आप एसिडिक सॉल्यूशन उतना ही डाल देंगे, तो क्या उसको वो ये बर्दाश्त कर पाएगा? द आंसर इज नो. बफर सॉल्यूशन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जहाँ तक वो खुद को सस्टेन कर सकता है, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टीज को डिनाई कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन इसके बाद उसकी वो कैपेसिटी नहीं रहती है. तो इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं. बफर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस. मतलब मेजरली कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बफर सॉल्यूशन में यूज़ की जाती हैं? वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट यूज कर रहे हैं, वीक एसिड यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप एसिडिक बफर यूज कर रहे हैं. यानी ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप एसिड डाल रहे हैं, डाल दें और कोई पीएच चेंज नहीं होगा. तो इसी लिहाज से देखें, आप वीक एसिड, एसिटिक एसिड को सपोज कर लें और सॉल्ट सोडियम एसिटेट को सपोज कर लें जो कि एक सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस है. सो व्हाट आई एम गेसिंग ओवर हेयर के वी जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, तो ये जो एसिडिक बफर है इसकी पीएच जो है वो लेस देन सेवन होगी और इसको सस्टेन कर लेगा. यानी लेस देन सेवन पीएच को भी ये एसिडिक अगर आप ऐड करेंगे, यानी कि कहने का मकसद ये कि लेस देन पीएच सेवन का मतलब ये है कि ये एसिडिक नेचर वाले सॉल्यूशंस को सस्टेन कर सकता है,
ठीक है. इसके अलावा हम अगर फॉर एग्जांपल अगली बात करें, एक वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम यूज करें, तो इस तरह के मतलब यहां पर आपने क्या किया, वीक एसिड यूज किया, यहां पे आप क्या कर रहे हो, वीक बेस यूज कर रहे हो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू इधर क्या कर रहे हो, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हो, यानी बिल्कुल उल्ट कर रहे हो एक दूसरे का, और इसको बेसिक बफर कहेंगे. अब ये पीएच क्या सस्टेन करेगा, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 होगी, क्योंकि आपको पता है पीएच स्केल के अंदर वैल्यू अगर 7 से आगे जाती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक करैक्टर, और वैल्यू अगर 7 से नीचे आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक करैक्टर. सो दैट्स द आइडिया. यहां पे वीक बेस हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनियम क्लोराइड. सो दैट इज व्हाट वी हैव इन द एंड. तो यहां पर इसको हम बेसिक बफर कहेंगे. बेसिक बफर कब बनाएंगे, जब आप वीक बेस से बनाएंगे. एसिडिक बफर कब बनाएंगे, जब आप वीक एसिड से बनाएंगे. सो दैट्स द आइडिया. सो अब आगे और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आपको जवाब दूंगा इस मेरे अगले पार्ट में, तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कैरी ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट. उसमें मैं मजीद आपको बताने वाला हूँ कि व्हाई डू वी नीड अ बफर सॉल्यूशन, आखिर क्यों जरूरत पड़ जाती है, और बफर्स आखिर कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में मजीद थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ. और फिर अगर आप किसी बफर की पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या तरीकाकार आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप किसी बफर की पीएच को कैलकुलेट कर सकेंगे. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड आई होप के यू विल बी स्टेइंग ट्यून्ड विद मी. थैंक यू सो मच.